आज बनाएंगे शाही पनीर और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, जो बनाना बहुत ही आसान है। और ये वीडियो मेरा पहले ही बन गया था तो मैंने अपलोड नहीं किए थे, तो अब इसे मैं अपलोड कर रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए कोई खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आराम से बन जाता है। जैसे लबाबदार हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इसमें है कि टाइम कम लगता है। और पनीर को आप तिकोना काट लें, इस तरह से ट्रायंगल ट्रायंगल काट के फ्रिज में रख दें, क्योंकि सब्जी के सबसे लास्ट में ही अब पनीर का यूज होगा। तो एक पैन ले लेंगे, उसमें 1 इंच बटर डाल दीजिए और साथ में 1 से 2 चम्मच कोई भी ऑयल डाल दीजिए, जो भी ऑयल आप कुकिंग ऑयल खाते हो। और तेज़पत्ता, जीरा और साबुत धनिया डाल दीजिए थोड़ा सा, इस तरह से फ्लेवर अच्छा आता है। और फिर उसके बाद जब तेल आपका गर्म हो जाए, बटर मेल्ट हो जाए, फिर आप 1-2 प्याज को, जैसे 1 कटोरी प्याज ले लिया है मैंने, तो 2 टमाटर, मतलब 2 कटोरी हम टमाटर लेंगे। तो जो लबाबदार वगैरह होते हैं, पनीर की जितनी भी रेसिपी होती है उसमें मसाले और प्याज टमाटर का ही बैलेंस होता है, बाकी सब सेम ही होता है, एक जैसे ही बनते हैं। तो जैसे 2 कटोरी टमाटर लेंगे, 1 कटोरी प्याज के साथ 2 कटोरी टमाटर लेंगे शाही पनीर के लिए। और साथ में हम डाल देंगे वही काजू और 8-10 कलियाँ लहसुन डाल देंगे, 2-3 लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे। काजू को आप बारिश का मौसम है अभी, तो एक बार खोल के ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि इस टाइम में काजू थोड़े से ख़राब भी आते हैं, तो काजू को आप चेक कर लें। गैस को मीडियम रख के आपको सब्जी को सेक लेना है, फिर नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, और नमक फिर हम बाद में भी डालेंगे ग्रेवी में, तो इसलिए अभी कम डालिएगा। और उसका लाल मिर्च डाल दीजिए थोड़ा सा, अगर आप शाही पनीर बिल्कुल बाजार जैसा मीठा वाला खाना चाहते हैं तो फिर मिर्च को आप स्किप कर लीजिए। मैं थोड़ा सा घर में बनाती हूँ तो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, तो हल्का सा स्पाइस मैं डाल देती हूँ, मैं बिल्कुल बाजार जैसा मीठा नहीं बनाती हूँ। और इसको हल्का सा पका लेंगे, पानी 1-2 चम्मच डाल के, या टमाटर का पानी ही जो आपका रिलीज होगा उसी से आप अच्छे से टमाटर को पका लीजिए। और वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसका हम पेस्ट बना लेंगे। इधर पैन में हम बटर डाल देंगे फिर से, और तेल, और फिर हरी मिर्च, जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट के डाल दीजिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, इन सब चीज़ों का पेस्ट डालिए, इस तरह से चंक्स में मत डालिए, पेस्ट करके डालिए। और जो धनिया होता है उसका स्टेम भी मैंने डाल दिए है, धनिया के स्टेम से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने जो पीस के रखे थे प्याज टमाटर वगैरह, तो उसको हम डाल देंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा डालने के बाद। और जार में भी पानी डाल के इसी टाइम में डाल दीजिए, और इसको 1-2 बार चलाइए और ढक दीजिए, क्योंकि जब ये एक उबाल आएगा तो ये बहुत ही बाहर की तरफ फैलता है, जो जिससे आपका गैस भी गंदा हो जाएगा और आपके ऊपर भी छींटे पड़ सकते हैं। तो इसको चलाइए और एकदम से ढक दीजिए, तो इस तरह से ढक दीजिए, और उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट तक आप पकाइए। ग्रेवी को अच्छी तरह पकाएंगे तो सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, तो इसलिए अच्छे से पका लीजिए 10-15 मिनट। और उसके बाद आप इसमें नमक वगैरह चेक कर लें, नमक डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, सब कुछ डाल के अच्छे से मसाले को आप पका लीजिए, जैसे नॉर्मल सब्जी को पकाते हैं उस तरह से आप इसको भी पका लीजिए। और इधर कस्तूरी मेथी है, उसको मैंने थोड़े से रोस्ट कर लिए। अगर रोस्ट करके डालते हैं कस्तूरी मेथी को तो फ्लेवर और खुशबू बहुत ही अच्छा आता है इससे। और ग्रेवी वगैरह, नमक वगैरह इस टाइम में आप चेक कर सकते हैं, अगर आप ग्रेवी लगे कि ठीक हो रहा है तो फिर गर्म पानी करके डाल दीजिए, और पनीर को फ्रिज से निकालिए और एक एक करके सारा फैला दीजिए अपने ग्रेवी में। सब्जी ऑलमोस्ट डन ही है, तो आप बस गैस बंद कीजिए, पनीर डालने के बाद गैस बंद कर दीजिए, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर 1-2 चम्मच क्रीम डाल दीजिए, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ घर में बनाती हूँ तो। और 1 इंच बटर का टुकड़ा डाल दीजिए, और ये बर्ड्स की आवाज़ सुन रहे हैं तो इनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी बिल्कुल फ्रेंड की तरह होती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। जब इनकी आवाज़ सुनती हूँ तो फिर मैं अपना बोलना ही भूल जाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी, मैं क्या बोल रही थी। और 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने दीजिए, सब्जी बनके रेडी है आपकी, आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए, सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, मैं वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, मैं बेटी आई थी तभी बनाई थी छुट्टियों में, पर ये सारे पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो अब मैं इसको अपलोड कर लेती हूँ। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह के ढेर सारे वीडियो देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा एक बार।
इस तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया आपको। सारे स्टेप फॉलो करिएगा और आपकी जो